नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल देखो भारत में। आज मैं आपको आपके ही मांग पर एक LIC एजेंट कैसे बने और LIC एजेंट बनने के बाद वो कैसे सक्सेस हुए इसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। LIC के अंदर मैं एक बात बताना चाहूंगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि LIC के अंदर में पाने को तो बहुत कुछ है लेकिन खोने को कुछ और कुछ नहीं है। आप मान लीजिए अगर LIC एजेंट ना भी बनते हैं या LIC एजेंट के अलावा कोई भी दूसरा बिजनेस करते हैं तो आपको कम से कम आज के जमाने में एक छोटा सा पान ठेला भी अगर डालना है या छोटा सा एक दुकान भी चलाने को के लिए डालना है तो आपको 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही यहाँ सिर्फ आपके मेहनत और आपके लगन और आपके लक्ष्य का ही आपको बेनिफिट मिलता है। मैंने आपके लिए एक ऐसा प्लान लाया हूँ कि जिससे आप LIC एजेंट बन के एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं और आगे बढ़कर समस्त पॉलिसी धारकों को जो सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसी कार्यक्रम में मैंने आपको आपके लिए एक बोर्ड बनाया हूँ। आप LIC एजेंट में सबसे पहले आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के LIC इसमें लिखा हुआ है हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल LIC एजेंट, यानी कि आप क्या LIC एजेंट बनके सक्सेस होना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले इसके अंदर में आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले LIC के अंदर में जो एजेंट बनना चाहता है उसे कुछ बातों का ध्यान रखना। तो इसमें मैंने 10 पॉइंट बनाए। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंतर्गत आपके पास LIC एजेंट बनने के बाद सिर्फ एक पेन होना चाहिए और पेन ज्यादा चले इसके लिए एक लीड का पैकेट होना चाहिए जो आजकल कोई नहीं खरीदता है। क्यों, ये मजाक कर रहा हूं मैं आपसे, ये मजाक नहीं, एक सही चीज है। क्योंकि LIC का होता है फॉर्म और आपका होता है पेन, इसके अलावा इसके अंदर में कोई ज्यादा मैनेजमेंट होता नहीं है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट LIC खुद संभालती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि LIC में एजेंट में मैनेजमेंट एजेंट के लिए कौन सा मैनेजमेंट होता है। पहले LIC एजेंट के बनने के लिए उसको मैनेजमेंट जो करता है वो, तो उसके पास एक बैग होना चाहिए, एक एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए, एक अच्छा सा पेन होना चाहिए जिससे वो फॉर्म भरते टाइम खत्म ना हो उसकी लीड और वो सही तरीके से फॉर्म भर सके और वो उसको ग्रीन चैनल पे लगा सके। मैनेजमेंट के तहत जैसे कि ऑफिस, जोनल मैनेजर, जोन, डिवीजन, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सूचना जो मैंने आपको इसकी पहले वीडियो बनाया था उसमें भी दिया था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मैनेजमेंट के अंतर्गत में जो LIC आपकी पूरी सहायता करती है। मैनेजमेंट में आपको जीरो है, जीरो कोई कुछ नहीं करना पड़ता है। आपके लिए सिर्फ एक बैग तैयार होना और जिस बैग में सभी तरह के फॉर्म्स होना और आपको LIC के प्रोडक्ट्स की सही और सटीक जानकारी होना आवश्यक है जिससे कि आप पार्टी को बता सके। और उस मैनेजमेंट के अंतर्गत आपके पास एक मोटरसाइकिल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मोटरसाइकिल लेंगे तो आप जा दूर तक बीमा करने जा सकते हैं। और मैनेजमेंट के अंतर्गत में आपके लिए जो होता है LIC एजेंट के लिए वो सही समय पे उठे और अपनी बैग को सही देखे और सभी प्रकार के फॉर्म्स और सभी प्रकार के नॉलेज अगर उसके पास है तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बात आती है इसके अंदर में नॉलेज की, तो नॉलेज भी होना चाहिए ज्यादा ज्यादा जिससे आप आगे बढ़ सके। दूसरी बात आती है इसकी लक्ष्य, एक टारगेट, लक्ष्य है टारगेट इसलिए आवश्यक होता है कि कोई भी ऑफिस, कोई भी बिजनेस, कोई भी संस्था अपना एक टारगेट बनाती है जो साल भर का होता है। अब उसी के तहत आप भी एक टारगेट बनाइए, आप टारगेट बना के ही काम करिए जिसमें आप टारगेट से थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, ज्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन टारगेट इतना ज्यादा, लक्ष्य इतना ज्यादा मजबूत होना चाहिए आपका कि आप मान लीजिए बोले कि 200 बीमे बनाना है तो आप 200 ही बीमे बनाने की कोशिश करना चाहिए। और जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए ताकि जो तुमने लक्ष्य बनाया है, आप भी जैसे कि आप LIC एजेंट हैं या LIC एजेंट बनने वाले हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं BM क्लब में जाऊं, मैं DM क्लब में जाऊं, मैं ZM क्लब में जाऊं, मैं इसके बड़े CM क्लब में जाऊं, जिसको मैं आपको इसके पहले वाला वीडियो में समझा चुका हूं। तो आप जो लक्ष्य बनाते हैं
उसी लक्ष्य पर कार्य करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत, ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता होती है। तीसरी बात आती है इसमें प्लानिंग। अगर आपने लक्ष्य बना लिया है और आपका मैनेजमेंट सही है तो आप प्लानिंग बनाइए। तो प्लानिंग कैसे बनाएंगे? अगर नए एजेंट्स हैं आप, तो आपके मित्र यार दोस्त, उनके दोस्त, उनके परिवार के पारिवारिक मित्र, उनके पहचान वाले, और अगर आप एक बीमा बना लेते हैं, दो बीमा बना लेते हैं, तो आप समझ जाइए कि उत्साह बना के रखिए अपने उसमें कि एक बीमा अगर मैं बना सकता हूँ तो मैं 10 बीमे बना सकता हूँ। इसी प्रकार आप अपना आत्मविश्वास बना के रखिए और एक प्लानिंग करिए कि मुझे कैसे और कितने लोगों के पास जाना है, डेली कितने लोगों से मिलना है, उसकी एक लिस्ट तैयार करिए जिसके तहत आप आगे का प्लान बना सकते हैं। चौथी बात आती है रिलेशनशिप। अगर आपके मार्केट के अंदर में अच्छे रिलेशनशिप हैं, आप नेता हैं, आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप अगर या आप मान लीजिए कोई पब्लिक कंसल्टेंट ऑफिस में हैं, या आप किसी मीटिंग अटेंड करते हैं, या आपकी ज्यादा दोस्ती जारी है, उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। LIC के एजेंट बनने के बाद आप एक रॉ मटेरियल तैयार करिए। रॉ मटेरियल तैयार, जैसे कि आप एक बिजनेस में देखते हैं कि रॉ मटेरियल के लिए वो जहां सस्ता माल मिलता है वहां से वो, तो जहां आप सरलता से पहुंच सकते हैं, जैसे आप सरलता से बात कर सकते हैं, उन्हें आप ये प्लान बताने की बताएं। आज पूरे इंडिया में कम से कम ये मान के चलिए 100 करोड़ में से ज्यादा से ज्यादा मैं मानता हूं कि 30 या 35 करोड़ लोगों ही बीमे के पास पहुंच बीमा करवा चुके हैं। अन्य लोग आज भी खाली पड़े हैं। आप देखेंगे आपके मोहल्ले में भी सक्सेसफुल लोग हैं, आपके बिजनेस में सक्सेसफुल एजेंट्स हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए और उनके पद चिन्हों पर चल के ही आगे बढ़िए। जितनी ज्यादा आप जानकारियां प्राप्त करेंगे उतनी ज्यादा आप सक्सेस होंगे। अब ऐसी बात आती है कि जो चीज आपके पास नहीं है वो चीज किसी और के पास है, तो उसके पास जाके आप पूछें, आप या पूछे या उनसे दोस्ती करें और उन्हीं के साथ रहकर ये पता करें कि आखिर वो सक्सेस क्यों है, और उसी का कारण आज ये पूरी दुनिया यही दूसरों को देख देख के ही सक्सेस का वो करती है। और जिसमें आप सक्सेस होते हैं, इसीलिए आप सक्सेस हो सकते हैं कि जैसे जो सामने वाला किस प्रकार सक्सेस हुआ है, उसने कैसी मेहनत करा है, उसने कैसा नॉलेज लिया है, उसी प्रकार आप सक्सेस होते हैं। अब आती है बात पांचवी बात आती है सेल्स और मार्केटिंग की। अब सेल्स और मार्केटिंग जो होती है, सेल्स यानी कि बेचना और मार्केटिंग कैसी करना, इसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा। आजकल LIC एजेंट ट्रेनिंग के कई सेंटर्स खुल चुके हैं जिसमें आपको बहुत ही सरलता से, बहुत अच्छे तरीके से LIC या अन्य प्रोडक्ट्स कैसे सेल किए जाते हैं, इसके बारे में आपको बड़े आराम से कम पैसे में ट्रेनिंग प्राप्त हो जाती है, जिससे आप जो बिजनेस करते हैं वो बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं। और पहले के जमाने में हमारे जमाने में जब हम LIC एजेंट थे तो हमारे पास कोई ट्रेनिंग का असर नहीं होता था, इसलिए हमें LIC ट्रेनिंग देती थी और आज भी LIC ट्रेनिंग देती है, लेकिन LIC उन लोगों को ट्रेनिंग देती है जो सक्सेसफुल एजेंट होते हैं, जो क्लबों में रहते हैं। अन्य लोगों को ट्रेनिंग अलग से ही लेना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स और मार्केटिंग के लिए आप एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे ट्रेनिंग ऑफिस में जाकर ट्रेनिंग लीजिए, जिससे आप सक्सेस हो सकेंगे। छठी बात आती है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस का तात्पर्य यह है कि आज के जमाने में आपने देखा होगा जो भी कंपनियां मार्केट में आ रही हैं, चाहे वो टेलीफोन कंपनी है, चाहे वो बिजनेस में कंपनी हो, कोई साबुन की कंपनी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंपनी हो, वो सबसे पहले ध्यान रखती है कस्टमर सर्विस का। कस्टमर को आपके साथ कस्टमर जुड़ा होता है, वो आपसे बीमा बनाता है, बीमा बनाने के बाद वो उससे आपसे जुड़ाव के लिए आपको कम से कम डेली 5 से 10 फोन करना है, और जो नए कस्टमर उनके लिए आप 5-10 फोन करना है। तीसरा, जो आपके कस्टमर बन चुके हैं वो कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करने के लिए उनके जन्मदिन पर, उनके बच्चों के जन्मदिन पर, उनके मृत्यु में, उनके घर में मृत्यु होने पर, उनके शादी होने पर, सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, ताकि वो आप ही को याद रखें और जब वो बीमा बनाए या कोई इन्वेस्टमेंट करे तो वो आपसे जरूर राय लें, ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात यह है रिकॉर्ड यानी कि आप एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें आपने जो आपने दोस्त, अपने दोस्त परिवार दोस्त, अपने जो संबंधी और जिससे आपने डेली मिलकर फोन करके और जो बात करी है उसको आप नोट कर लीजिए। आप ये नोट कर लीजिए कि ये व्यक्ति कितना कमाता है या ये कितने
का बीमा बना सकता है या कितने पैसे सुविधा पूर्वक जमा कर सकता है। और रिकॉर्ड के अंदर में आपके पास LIC जो आप बीमा बनाते हैं उनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, उनकी हाइट, उनके पहचान का निशान, उनके पारिवारिक विवरण। अगर मान लीजिए आपके पिता का बीमा बनाया है, उनके घर में 2 बच्चे हैं, आने वाले समय में आपके भविष्य के लिए वो रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल ऐसा है कि आपने अगर लिख लिया कि उनके 3 बच्चे हैं, उनका नाम ये है, उनकी ये उम्र है, उनका ऐसा ऐसा कार्य है, तो आप आने अनिवार्य उनके बीमे के लिए बात करने जा सकते हैं। अगर आप एक ही एक व्यक्ति के लिए बीमा करने जाएंगे कि भाई आप ही कर लो, आप ही बीमा करवा लो, तो वो सोचेगा कि नहीं, अब इसलिए आपको पूरे परिवार का बीमा करने का है, उनके मित्र यार, उनके दोस्त, उनके संबंधी, उनके भी नाम लेकर उनके उनसे उनकी वो पता करके उनके घर जाके बीमा करवा सकते हैं। जो 14 बात आती है कि अगर आप अच्छा आप लिस्ट तैयार कर लेते हैं और आपके पास एक रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है जिससे कि आप लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि भाई मैं आज 10 लोगों की लिस्ट में तैयार करूंगा और आज मैं 10 लोगों से फोन पर चर्चा करूंगा और आज मैं मेरे जिससे संबंधित उन लोगों से बात जाऊंगा और उनसे बताऊंगा कि मैं LIC एजेंट बन गया हूँ या LIC एजेंट हूँ और मैं आपसे बीमा करना चाहता हूँ, तो वो जरूर तैयार होंगे और वो आपसे जरूर बीमा कराएंगे। ये और उसके बाद एक्शन की बात आती है। जब आपके पास लिस्ट तैयार हो जाती है और जब सामने वाला आपको फोन पे टाइम दे देता है, तो आप जब भी फोन पे टाइम देता है उसके 10 मिनट पहले उसके घर पहुंचिए और उसके 10 मिनट पहले पहुंचने के बाद उसे जो प्लान समझाया है उसी प्लान के बारे में बात करें। अगर वो कहता है कि दूसरा प्लान अगर इससे अच्छा कोई हो तो बताएं, तब तभी आपको दूसरा प्लान बताने का है, नहीं तो वो पहले जो प्लान आपने जो समझा के बताया था उसी प्लान को करें, अन्य दूसरा प्लान ना करें और तुरंत एक्शन लेके फॉर्म भरे और चेक लें और LIC में उसी दिन बीमा लगाएं। आजकल तत्काल ही रसीद प्राप्त होती है ग्रीन चैनल के माध्यम से। हमारे जमाने के अंदर में तो फोन और मोबाइल हुआ नहीं करते थे, इस सूचना का बहुत कमी थी, इसलिए आपको आगे के मैनेजमेंट के लिए LIC को ध्यान रखना पड़ता है। चौथा बात है पॉजिटिव थिंकिंग। आप पार्टी अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आप बीमा कराने जा रहे हैं कृपया पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर वो ना भी बोलते तो आपका तो कुछ गया नहीं है, आपने सिर्फ चर्चा करी है, आपने सिर्फ बीमे के बारे में बताया है, इसलिए आप ये ना सोचे कि वो बीमा बनेगा या नहीं बनेगा, या आपके संबंध अच्छे रहना चाहिए, इसलिए वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं हो कभी भी बीमा बनाएगा तो आप ही इसीलिए बनाएगा क्योंकि आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच। यानी आप तो ये सोच के यार कि मैं बीमा बना ही सकता हूँ, मैं हूँ LIC एजेंट, मेरे पास है ऐसी जानकारी, मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट की जानकारी है कि मैं उसके बोलने के अनुसार, सामने वाले बताने के अनुसार मैं उसे बीमा दे सकूंगा। अगर आप ये खुद सोच लें कि मैं बीमा नहीं बना सकता, मैं उसके पास जा नहीं सकता, वो तो बहुत अमीर आदमी है, उससे मैं कैसे बात करूंगा, और ऐसी अगर आप अपने आप में आत्मविश्वास नहीं जगाएंगे तो आप बीमा बनाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और अगर आप LIC एजेंट हैं और आपने बीमा बनाया तो इसको मतलब आप समझ जाइए कि बीमा तो मैं बना सकता हूँ, इसलिए तो बनाया भी है मैंने आगे। जो पांचवी बात आती है, यू आर ए सक्सेसफुल मैन। यानी कि अगर आप ये सब चीजों का ध्यान रख के चलते हैं और आप पूरी तैयारी से, पूरे ट्रेनिंग से, पूरे प्रोडक्ट की जानकारी से और पूरी तरह तैयार होकर अगर सामने वाले के पास जाते हैं, तो मैं नहीं मान सकता कि वो बीमा ना बनाए, क्योंकि आज के जमाने में हर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सजग तैयार है, हर कोई इन्वेस्टमेंट को करवाना चाहता है। अब मैं इसी के जो पॉइंट्स बनाए हैं, इसी 10 पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको एजेंट्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है और एजेंट्स क्यों बनना चाहिए और आपको कैसे उसके लिए वो मिलेगा मैं आगे बताऊंगा। अभी जो ये बात आई है कि आपने मैनेजमेंट से लेकर पॉजिटिव थिंकिंग से लेकर रिलेशनशिप प्लानिंग, लक्ष्य, कस्टमर केयर की बात की है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो है सोच बड़ी रखिए जिससे आप एक अच्छा कार्य कर सकेंगे और समुद्र जैसा हृदय रखने से, छोटी छोटी बातों से आप नर्वस नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि इसमें नर्वसता बहुत आती है। आपको बीमा नहीं बनता है या आप LIC में कुछ दिन तक आप खाली घूमते रहते हैं तो आपको उत्साह जाने लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चिंक बिग रखिए, आप अपनी जो चिंक है उसको बिग रखिए, बड़ी रखिए, आप नर्वस नहीं होइए। ऐसे कई सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने जानकारी के लिए 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़ी, 10-10 साल उन्होंने अपनी जानकारी प्राप्त करने में निकाल दी है। आज ऐसा समय आपके पास नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 50 साल तक किताब पढ़ते रहिए, सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानते रहिए या ऐसा करिए, नहीं। आपको मैं सिर्फ इतना बताया है कि आप सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठिए, उठिए, उनसे दोस्ती करिए और उनकी चिंतों में चलिए, स्वयं भी आगे बढ़िए। इसलिए आप जो है आपकी थिंक बिग रखिए, आपकी सोच बड़ी रखिए। दूसरी बात आती है थिंक ऑफ अचीव। अब थिंक ऑफ अचीव यानी क्या, जो आपने लक्ष्य रखा है उस पर आपको कार्य भी करना है और जो आपने लक्ष्य जो सोचा है, जो कार्य करने के लिए आप आगे बढ़े हैं, आपने जो हिम्मत दिखाई है उससे आप पीछे हटने का कोई काम नहीं है।
ताकि आपकी लाइफ में आपका लक्ष्य निर्धारित रहे और आप आगे बढ़ते रहे। तीसरी बात आती है थिंक टू डिफरेंट। अब डिफरेंट थिंक का मैं इसलिए बोलूंगा आपको, अब जैसे डिफरेंट यानी कि अलग थिंक होना चाहिए। जैसे सबकी आय एक सरी की नहीं हो सकती, जैसे सबका चेहरा एक सरी का नहीं हो सकता, जैसे सबके सब इंस्ट्रूमेंट एक जैसे नहीं हो सकते, जैसे सब बिल्डिंग से एक जैसी नहीं हो सकती, इस संसार की कोई चीजें एक जैसी नहीं हो सकती, तो आपकी सोच भी एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए आप क्या सबकी सोच से डिफरेंट सोच रखिए। अगर आपको पीछे जा रहा है तो उसको कह दीजिए आप आगे जाइए, आप अकेले आगे जाइए, आप अकेले मेहनत करिए, आप अकेले ही इस लक्ष्य को प्राप्त करिए। यानी आपकी सोच डिफरेंट होना चाहिए। चौथी बात आती है थिंक टू पॉजिटिव के बारे में आपको बता चुका हूं कि अगर आपकी पॉजिटिव थिंक है तो आपको इस LIC में कार्य करने के लिए कोई रोक नहीं सकता और आगे बढ़ने के लिए आपकी कोई वो नहीं कर सकता। आप अपने जो कस्टमर है उनको जो LIC द्वारा नई पॉलिसी लॉन्च हो रही है उसके बारे में सूचना दें, उनका जीमेल और उनके पता परिवर्तन कराना, नामिनी परिवर्तन कराना, एड्रेस परिवर्तन कराना, जो भी जो कस्टमर सर्विस होती है इसका पूरा ध्यान रख के आप कार्य करें और एक्साइटमेंट यानी उत्साह पूर्वक करें ताकि पार्टी को या जो आपने बीमा बनाया है उसको ये ना लगे कि एक हार बीमा बनाने के बाद कुछ बोझ जैसा कार्य कर रहा है या जो हम बोल रहे हैं वो नहीं कर पा रहा है, उसकी मैच्योरिटी, उसकी SB क्लेम, उसके जो बीच में आप पैसे मिलते हैं उसे SB क्लेम बोलते हैं 5-5 वर्ष में, और मैच्योरिटी होती है उसे जो पैसे मिलते हैं उस टाइम उसके पास जरूर जाए और उसे जब भी कोई व्यक्ति के पास जब पैसे आते हैं वो नया बीमा करा सकता है। इसलिए एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप SB क्लेम जब किसी को मिले या उसकी मैच्योरिटी होए या उसे किसी प्रकार का पैसा मिलता हो उस वक्त अगर आप उसके पास जाएंगे तो बड़े से बड़ा आपका बीमा करवाएगा और आप उत्साह के साथ कार्य करें। जिसका हमने बीमा बनाया है, जिसको हमारी पार्टी है जो हमें 20 वर्ष तक के एक बार बीमा बनाने का कमीशन दे रहा है, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ही ताकतवर हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा सोने चांदी की दुकान पर एकमात्र 10,000 रुपए ब्याज में लेने पर उन लोग इतनी बड़ी बही में लिस्ट पे नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं, साइन कराते हैं, इतनी कार्रवाई करते हैं। आप जब एक बार बीमा फॉर्म भरते हैं और उसका कमीशन आपको 20 वर्ष तक 25 वर्ष तक प्राप्त होता है तो आप कम से कम उसकी एक लिस्ट बनाइए, एक उसकी जानकारी कंप्यूटर पर रखिए, आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में नए प्लान की जानकारी उसे दीजिए फोन पर और हमेशा उसे टच में रहिए। दूसरी बात आती है लाइफ टाइम कमीशन। LIC रेट के लिए LIC ने लाइफ टाइम कमीशन रखा है, यानी जब आप बीमा करते रहते हैं तब तो आपको कमीशन मिलता ही है। हर आप इस महीने जो आपने बीमा करा है उसका एक तारीख के बाद आपको कमीशन मिल जाएगा। और मान लीजिए कि आप 10-15 साल भी आप बीमा कर लेते हैं तो आपको पूरी लाइफ टाइम कमीशन आपको मिलता रहता है। आफ्टर कमीशन का मतलब ये है कि अगर आप बीमा करते हुए आपने 10 साल बीमा करा, 15 साल बीमा करा, 25 साल बीमा करा और उसके बाद आपने जैसे आपकी उम्र 70 साल की है, 75 साल की हो गई है, इसमें कोई उम्र का बंधन नहीं है। आप चाहे जितनी उम्र तक बीमा कर सकते हैं, आप जितना स्वस्थ और अच्छे हो और जितने आप सजगता से कार्य कर सकते हो तब तक आप बीमा कर सकते हैं। आपकी चाहे उम्र 95 हो जाए, चाहे आपकी 80 हो जाए, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, इससे कोई ताकत नहीं है। आप अगर मान लीजिए बीमा करते हुए आपने 10-20 साल बीमा करा दी है तो आप एक परिवार को बहुत बड़ी सुरक्षा देकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि LIC आफ्टर कमीशन देती है। आफ्टर कमीशन का मतलब आपकी मृत्यु के बाद भी कमीशन आपकी पत्नी को प्राप्त होते रहेगा, पत्नी के बाद आपके बच्चों को प्राप्त होते रहेगा। आप जब अगर स्वयं भी बीमा करना छोड़ देते हैं तो आपको एक पेंशन के रूप में भी एक जिसका जो आपने ज्यादा अधिक मेहनत करी है, अधिक से अधिक कार्य किया है, उसका आपको बराबर कमीशन प्राप्त होते रहेगा। एंड ग्रेजुएटी यानी कि LIC में जैसे नौकरी वालों को ग्रेजुएटी प्राप्त होती है उसी प्रकार से एक मोटी रकम ग्रेजुएटी प्राप्त होती है। जितना आप ज्यादा से ज्यादा कमीशन प्राप्त करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी कार्य रहेगा उसकी ज्यादा ज्यादा आप ग्रेजुएटी भी प्राप्त करेंगे। ग्रेजुएटी की उम्र में LIC ने 65 साल रखी है, यानी जो व्यक्ति 15 साल की उम्र कार्य कर लेता है और वो उसकी उम्र 65 साल के करीब हो जाती है तो 65 साल के बाद उसको ग्रेजुएटी दी जाती है। ग्रेजुएटी से पेंशन का कोई संबंध नहीं है और सॉरी कमीशन से कोई संबंध नहीं है। ग्रेजुएटी का संबंध है आपके कार्य के ऊपर, आपके कार्य जितना आपने कमीशन कमाया है, जितने आपने बीमे बनाए हैं
उसके ऊपर ही आपको ग्रेजुएटी प्राप्त होती है और एक अच्छी रकम होती है जो आपके बुढ़ापे के काम आती है। चौथी बात आती है बिजनेस टुडे। अगर ये आप मेरी बातों को समझ गए हैं तो आप कृपया आज ही जाएं LIC के अंदर, डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर से आप अपनी मांग कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं LIC एजेंट बनना चाहता हूं, मैं LIC का बिजनेस करना चाहता हूं, मैं LIC के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता हूं, और अपनी बारहवीं की मार्कशीट दिखा के अपनी जो भी क्लास से आप पढ़े लिखे उसके अनुसार आप बारहवीं से ऊपर होना चाहिए। आप LIC एजेंट जाके एक मिनिमम 1000 रुपये का खर्चे आता है जो एक LIC द्वारा जो जिन कंपनियों को आपकी परीक्षा एग्जाम लेने के लिए वो कहा गया है वो पैसे रखती हैं, उसके उसी अनुसार आपको LIC एजेंट का लाइसेंस प्राप्त हो सकता है। और आप कृपया बिजनेस टुडे आज ही से बिजनेस चालू करिए, क्योंकि आज के जमाने में आदमी के पास इतनी उम्र नहीं है, आदमी का इतना समय नहीं है कि वो वेट किसी का वेट करे या बिजनेस करने में या पैसा कमाने में कोई देरी करे। दसवीं बात यह आती है सेव फैमिली इन इकोनॉमी, यानी कि जब आप बीमा कर रहे हैं तब तो आपको कमीशन प्राप्त हो रहा है और ग्रेजुएटी पर मिल रही है, और आप बीमा करना छोड़ भी देते हैं तो भी इसको कमीशन आपको रेगुलर आते जाता है। मान लीजिए आपने लाइफ टाइम कम से कम मान लीजिए आप 20 वर्ष की उम्र थे और 20 वर्ष की उम्र के बाद आपने 60 से लेकर 65 वर्ष तक के LIC का काम करा, तो यानी आपने करीबन 45 वर्ष तक के काम करा, तो जो 45 वर्ष का काम है आपका और आप इस दुनिया में नहीं भी है या है भी तो भी आपके परिवार को वो कमीशन पेंशन के रूप में इकोनॉमिक्स को मजबूत कर देगा और आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को आपकी याद दिलाते रहेगा और हमेशा वो कमीशन जब तक मिलेगा जब तक ये पार्टी बीमा गाड़ी का बीमा चलते रहेगा। क्योंकि बीमा आप अगर 75 साल के तो भी 20 साल का बीमा करते हैं, आप 75 साल के तो भी आप 25 साल का बीमा करते हैं, आप 75 साल के हो गए तब भी आप 15 साल का बीमा करते हैं तो आपकी मृत्यु भी हो जाती है या आप इस दुनिया में नहीं भी रहते हैं तब भी आपकी इकोनॉमिक्स आपके घर की मजबूत रहेगी, क्योंकि आपके रहते में जो खर्चा आप घर घर चल रहा था वो आपके नहीं रहते में भी मेंटेन होगा। धन्यवाद दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कृपया मुझे लाइक करिए और मेरे कमेंट्स में बॉक्स में लिख के बताइए और मुझे मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं आप ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।